हेलो हाय मु विष्णुप्रिया आपमनकु स्वागत करूछि पुणी एक नया टॉपिक सहित आशा करूछि आपण माने समस्त भल रे थिबे तबे चलंतु आरंभ करबा आजर वीडियो। दीपावली उत्सव परदिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रे गोवर्धन पूजा करा जाय थाए। श्री कृष्ण इंद्रदेवंक प्रकोपरु गोकुळवासींकु बंचाया पई तर्जनी आंगुठी गोवर्धन पर्वत उठाइथिले। सेबेठारु गोवर्धन पर्व पालन करिबा परंपरा चली आसी। धार्मिक विश्वास अनुसार पूर्वरु एही विशालकाय पर्वत उच्चता पछरे सूर्य लुचि जाउथिले, किंतु वर्तमान एही पर्वतर उच्चता प्रतिदिन मुठाए लेखाए कमी जाउछि। 5000 वर्ष पूर्वरु गोवर्धन पर्वतर उच्चता 30,000 मीटर थिला, किंतु वर्तमान यार उच्चता 25-30 मीटर रहिछि। जणे ऋषिंक अभिशाप जोगु पर्वतर उच्चता ह्रास पाइछि बोली कहाजाए। एक धार्मिक कथा अनुसार थरे पुलस्त ऋषि गिरिराज पर्वत दे जाउथिले। पर्वतर सौंदर्य तांकु आकृष्ट करिथिला। पुलस्त ऋषि द्रोणाचार्यंकु अनुरोध करिथिले जे से काशीरे रहिबाकु चाहुछंती एवं से निज पुत्र गोवर्धन तांकु दे दियंतु, से एहाकु काशीरे स्थापित करिबाकु चाहुछंती। द्रोणाचार्य एहा शुणि बहुत दुखी होइगेले। गोवर्धन ऋषि को कहिले जे से तांको सह जीवाकु प्रस्तुत अछंती, किंतु से कहिथिले जे तांकु से जेउठारे रखिबे से सेठारे स्थापित होइजिबे। पुलस्त ऋषि प्रतिश्रुति देले। गोवर्धन कहिथिले मु 2 यजन उच्च ओ 5 यजन चौड़ा, आपण मते काशी केमिति नै जिबे। पुलस्त जवाब देले जे से निज तपबल बळरे तांकु पापुलीरे नै जिबे। रास्तारे ब्रिजधाम पड़िला। जेतेबेले गोवर्धन को मने पड़िला जे भगवान श्रीकृष्ण एठारे बाल्यकाळरे लीला करुथिले, गोवर्धन पुलस्तंक पापुलीरे धीरे धीरे अजनिया हेबाकु लागिले, जहाँफळरे तांको तपस्या भांगिगला। पुलस्त गोवर्धन पर्वत को सेठारे रखिदेले और तांकु देइथिबा प्रतिश्रुति भांगिदेले। किछि समयरे पुलस्त गोवर्धन को उठाइबाकु बहुत चेष्टा कले, किंतु पारिलेनि। सेतेबेले पुलस्त रागी जाई गोवर्धन को अभिशाप देइथिले जे तांकर विशालकाय उच्चता दैनिक टिके टिके ह्रास पाइब। सेबेठारु गोवर्धन पर्वतर उच्चता ह्रास पाइबारे लागिछि। हिंदू धर्मरे गोवर्धन पर्वत परिक्रमार अनेक महत्व रहिछि। जदि कौनसी व्यक्ति चारिधाम यात्रा करि न पारंती ताहेले से गोवर्धन पर्वत परिक्रमा निश्चय करिबा उचित, एहा द्वारा मनस्कामना पूर्ण होइथाय। गोवर्धन पर्वत पाखापाखि 10 किलोमीटर जाए विस्तार करिछि। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा 21 किलोमीटर रहिथाय, जहाँ बुलिबा कौन पाई पाखापाखि 5-6 घंटा समय लगिथाय। यही पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान दुई राज्य मध्यरे विभाजित। तो फ्रेंड्स जानले तो कौन पाई कमी कमी जाउछि गोवर्धन पर्वतर उच्चता। आशा करूछि ए छोटो वीडियो आपण मनकु पसंद आसथिबो। जदि पसंद आसथिबो ताले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ आम चैनल सहित जोडी रहबा पे आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू फ्रेंड्स।